एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू बैक। और कैसे हो सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है 25 अक्टूबर, तो हमारे घर पे भी काम स्टार्ट हो चुका है आज से फाइनली। मैं तो सफाई करने की सोच रही थी, बट जो है हमारा पुताई होने जा रही है आज। देखो सारा, आपको मैं दिखाती हूँ सारा मैसी मैसी। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो पूरा जो है ये घर ऐसे पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रेसिंग टेबल भी, देखिए मेरे हस्बैंड जी ने बोला तो मैंने खाली कर दिया है ये पूरा, देख रहे हो। ये देखो ऐसे, ये देखो इस झोले में मैंने ये सारा भर के रख दिया यहाँ पे, और ये खाली हो गया है। तो यहाँ पे अभी इसको जो है इसको हटाना है, इसको जो है जैसे भी अपना हटाएंगे इंस्ट्रूमेंट से। और बाकी जो है अभी सारी चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेगी, ये वगैरह जो है सारी चीज़ें, पर्दे वर्दे। आज हमारे पास ही ज़्यादा काम है, और आज मेरे पति देव जी ने छुट्टी ली है क्योंकि वो पुताई खुद से करेंगे। क्या होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, जित पैसा बचाने का वो होता है, तो पुताई भाई बड़े घर के लोग तो लगवा सकते हैं पुताई के लिए, हम लोग भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट पैसे बचाने का एक तरीका होता है। तो भाई मैंने कहा चलो खुद से कर लिया जाए, तो क्या है वो सफाई पुताई कर देंगे और मैं यहाँ से सफाई कर लूँगी पुताई करने के बाद। बाकी ये सारी चीज़ें जितना मुझसे बनेगा वो मैं करूँगी और जितना उनसे बनेगा वो करेंगे, दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। और टीटू मेरी अभी गई हुई है स्कूल, उसके आने से पहले ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वरना वो आ जाती ना फिर वो फ़ोन या टीवी लेकर बैठ जाएगी, फिर उस जगह से हटेगी नहीं, इधर से हटाओ उधर, उधर से हटाओ उधर। तो देखते हैं, और आज तो पूरा शेड्यूल बिजी बिजी जाएगा, पूरा दिन ही बिजी जा रहा है हमारे घर पे। कौन सा कलर होने वाला है, क्योंकि अभी तो डिसाइड ही नहीं हो पाया, आज ही पुताई होनी है और अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा कलर हमारे यहाँ होना है, क्योंकि मैं कोई और कलर कह रही हूँ, कोई और कलर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टीटू की पसंद का कलर करेंगे। तो टीटू ने पिंक कलर सेलेक्ट किया है, लेने जाएंगे तो अगर मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, हम लोग लेकर आएंगे कौन सा कलर मैंने लिया है हम लोगों ने पेंट करने के लिए, और किस तरीके से पेंट हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं। बने रहना ब्लॉग में, पूरा स्किप मत करना, ब्लॉग को पूरा देखो, कंटिन्यू रखो, और लाइक शेयर कमेंट करो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी ब्लॉग मैं डालूँ नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाए। चल यहाँ पे देखो पूरा ये जो है रूम देखो खाली हो चुका है, ये आप देख रहे हो, बस यहाँ पे ये अलमीरा रखी हुई है और ये बेड है, और इस बेड में बहुत सारा सामान है इसलिए इसको इधर से उधर नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे तब पेंट होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये अलमीरा जो है अभी हटा दी जाएगी, इसको खिसका दिया जाएगा जब पेंट होगा। अभी पेंट लेने गए हैं और देखो पूरा खाली हो गया, ये देखो पूरा कचरा कचरा, और ये देखो यहाँ पर सारा सामान ये एडजस्ट किया गया किसी तरह, तो इतना सामान है, ये देखो ये देखो ये देखो, ताकि जो है चलो बने रहना और दिखाती हूँ मैं। अभी तो पेंट खरीदने गए हैं, अभी जो पेंट खरीद के लाएंगे, अभी सोचो दिवाली की सफाई हो रही है सबसे मेहनत वाली, क्योंकि अभी देखो सफाई करने में इतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें भाई सामान वगैरह को साफ करना रहता, साफ कर करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग को तो उससे दुगनी मेहनत करनी है, ये तो पेंट कर पे देखो मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि भाई काम करेंगे तो भूख लगेगी, और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ, हल्सा है इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला है। और पेंट आ चुका है, 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें पता नहीं कौन सा है, ये कलर है वो वाइट कलर है, और ये कलर्स मिलाए जाएंगे, और मुझे ये नहीं पता है कौन सा कलर है, दो कलर लाए गए हैं, दो कलर हाँ लाए हैं, बाकी ये है और ये है, और ये देखो रोलर है, इससे मैं भी कर सकती हूँ, रोलर ले आते, दो रोलर ले आते मैं भी कर लेती। तो तो यहाँ अभी हमारा पेंट होना स्टार्ट हो चुका है, पीछे वाले रूम में भी स्टार्ट किया हम लोगों ने सारा सामान हटा वटा के, और यहाँ पे हमने कहा कि चलो साथ जल्दी हो जाएगा, तो हम भी थोड़ा सा ये रोलर है, रोलर जो है रोलर से करने में इजी हो जाता है, तो इससे मैं कर रही हूँ, इससे मुझे थोड़ा आसानी पड़ रही है, तो मैंने कहा कि लाओ मैं इससे कर लेती हूँ, ब्रश से तुम कर लो, इससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि
एक लोग पे ही अगर सारा हो जाएगा, पूरा घर करना था, तो उससे थकान भी महसूस होती और फिर थोड़ा टाइम भी लगता करने में। और इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कहा कि लाओ, जब तक मैं कर रही हूँ, इनका थोड़ा सा ये जो है कुछ और काम आ गया था दुकान में, कुछ भूल गए थे कलर से ही, पेंट वेंट से रिलेटेड। तो दुकानदार ने भैया ने फ़ोन किया था कि भैया आप तो ये चीज़ यहाँ पर भूल गए हो, कोई सामान था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक कर रही हूँ अकेले, और जो है तुम जाके ले आओ, जाकर देखो क्या है, क्या चीज़, क्या कौन सा सामान छोड़ाए हो वहाँ पे। और तो यहाँ पे कहने ठीक है तुम कर लोगी, हमने कहा हाँ हम कर लेंगे, और रोलर से ही करना है तो हम कर लेंगे, बाकी जो है ब्रश वगैरह से नहीं, ये कॉर्नर वगैरह तुम कर देना कर, और जितना मुझे बता के गए हैं उतना ही मैं कर लूँगी, क्योंकि सीधी सीधी दीवार थी जो कि मैं ना आसानी से हो जाती। तो मैंने कहा कि ठीक है, बाकी ये हैंगर वगैरह लगा है तो कहने थे हैंगर और ये बोर्ड पर ना करना, वरना फिर जो है इसको छुटाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे छत है ना, मैंने कहा तब तक छत कर दो तुम, ताकि जो है ये एक रूम जो है जब तक के फिनिश हो जाएगा अगर तुम आओगे, क्योंकि दीवारें दीवारें बचेंगी ये हम कर लेंगे रोलर से, और कॉर्नर और छत इनकी रहेगी, तो कॉर्नर ये आकर कर लेंगे और छत जो है अभी ये करके जा रहे हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी तुम कर दो, और जब भैया का फ़ोन आया तो जाके देख लो जाकर। और फिर टीटू को भी उधर से लेने जाने का टाइम हो रहा था, टीटू स्कूल में थी, अभी टीटू को लेकर आएंगे तो ये तब तक यहाँ पे आके मैडम वो भी जुट जाएंगी इसी में। तो उसके बाद जो है शायद, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, टीटू को आ चुकी थी या टीटू को लेने जाना था, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, शायद टीटू को लेने ही जाना था, अगर मिस हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पे पेंट अभी देखे, हाँ टीटू स्कूल से आ चुकी थी, यहाँ दिख गई है मुझे, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो यहाँ पे जो है उसके बाद टीटू उस रूम में थी, फ़ोन ओन मैं हमने दे दिया था, हमने कहा तब तक वहीं पे रहो, वरना पेंट वगैरह बच्चों को लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, कि हम लोग तो अपना रगड़ रगड़ के छुटा लेते हैं, और बच्चों को क्या है जरा सा रगड़ दो, अगर रगड़ने लगो तो चिल्लाने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अना उधर ही रहो, तुम फ़ोन वगैरह देखो, और लेकिन वो मानी नहीं, कह रही मम्मा मुझे भी पेंट करना है, और मुझसे छिनाने लगी कि मुझे रोलर से करना है। तो मैंने कहा रोलर से नहीं करो अभी, तो मैं ब्रश से करना, और फिर जाके है ना, जब तक इनका फ़ोन आया था उसके बाद मैंने कहा जाके इनके लिए भी एक छोटा छोटा वाला ब्रश ला देना, ताकि ये बड़े वाले से कर रही हैं, उठा जितना उठा रही उससे ज़्यादा पेंट इसमें गिरा दे रही थी, ज़मीन पे लगा दे रही थी। तो इन्होंने कहा ठीक है, जब हम जा रहे हैं तो इनके लिए भी पेंट उधर से ब्रश सॉरी लेते हुए चले आएंगे। तो हमने कहा ठीक है जाओ, नहीं तो ये ब्रश जो है पेंट पूरा करने नहीं देंगी, अगर 1 घंटा लगना होगा तो ये 2 घंटे लगवाएंगी, 2-4 घंटे लग जाएंगे एक रूम पूरा होने में। ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं था हम लोग का, आपको तो मैंने दिखाया है, किसी दिन मैं आपको होम टूर करा दूंगी, आप जो है हमारा फुल घर दिखा दूंगी, कैसे क्या है, कितने स्क्वायर फीट में बना है, कितना बड़ा है, कितने रूम है, और जो है कितना क्या है स्पेस वगैरह, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं मुझसे कि दीदी आप अपना, दीदी भाभी जो भी बोलते हैं कि आप अपना होम टूर कभी नहीं कराते, होम टूर करा दीजिए। तो गाइज इसीलिए मैं कुछ दिनों से रुकी हुई थी, मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए जो भी होनी है मेरे रूम घर पे, तो दिखाने में होम टूर कराने में अच्छा लगता है, वरना ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है खुद के लिए, आपको तो नहीं लगेगा लेकिन खुद के लिए अजीब लगता है। तो अब जो है होम टूर वाली जो भी कमेंट जिसने भी किया था, या जो भी आप लोग चाहते हो अगर होम टूर मैं कराऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप अपना दीदी घर दिखाओ, होम टूर कराओ, तो मैं जरूर से आपको होम टूर का ब्लॉग जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पहले हैं, सबसे पहले आप ही के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, जो भी कमेंट करेंगे, जो भी बात कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप लोग सब मेरी YouTube फैमिली हो, सबसे पहले ही आते हो। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पे, दुकान का दोबारा से फ़ोन आ गया था, तो हमने कहा ठीक है तुम जाओ होकर आओ जल्दी जाकर। अभी देख रहे हो आप लोग, ये सामने वाली दीवार तो हो गई है, जिधर अलमारी रखी है उसको थोड़ा सा हटाना है, तो उधर की साइड में नहीं हुआ है, इधर बाकी हमने कहा कि इधर किनारे किनारे जिधर स्पेस है इधर कर लेते हैं, फिर जाके जब इधर थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसको जो है इधर कर देंगे। और यहाँ हम लोग मस्ती करते हुए हम और टीटू कर रहे हैं। ये देखो मैंने पेंट, अभी आप लोग ने ब्लॉग देख रहे होंगे उसमें मैं भी पेंट, और मैंने ऐसा ही नहीं किया, ये देखो ये वाली पूरी, ये वाली जो दीवार है ये मैंने पूरी यहाँ से लेकर ये की है देखो ये, और ये वाली भी दीवार मैंने की है, अभी एक कोट हुआ है, डबल कोट करना रहेगा ना तब अच्छा अच्छी फिनिशिंग आएगी, और ये वाली भी। अब आप लोग ये मत कहना कि ये ना इनको ये भी पता है डबल कोट में फिनिशिंग अच्छा, यार बहुत लोगों को पता होता है, ऐसा नहीं है कि मैं पेंटर हूँ पेंट करती। तो ये लाइट पिंक हो ही रहा, और इसमें अभी देखो अभी कुछ गैस नहीं है, जब पूरा आएगा मतलब एकदम कहा जा रहा है डार्क पिंक करे ज़्यादा ही सही है, वैसे तो आप लोग भी बताओ डार्क पिंक अच्छा रहेगा किया, वैसे तो डार्क ही पिंक किया जाएगा,
मेरा हस्बैंड कह रहे ब्लू कर दो, लेकिन ब्लू का कॉम्बिनेशन लाइट पिंक से नहीं अच्छा लग रहा भाई, तीन दीवार लाइट पिंक और ब्लू नहीं, मेरे ख्याल से तो डार्क पिंक ही करते ज़्यादा सही नहीं, और जो है वैसे अच्छा लग रहा है, अभी तो हल्का आधा भी नहीं हुआ है तो इतना मतलब अच्छा लगने लगा भाई, फुल आ जाए जब मतलब कि, और मतलब एकदम ऊपर की छत हो गई है, इधर की दीवार अभी नहीं हुई है, अभी पूरा होगा ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अभी जब ना फुल हो जाएगा तो देखो टीटू भी उधर ब्रश कर रही हैं अपना पेंट वेंट, टीटू से हाय कर दो इधर, सब लोग को बताओ तुम पेंट कर रही हो, पेंट कर रही है, आउटलाइनिंग ये करना है इनको और बाकी हम लोग कर चुके हैं, हम लोग की इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, इनकी तो आउटलाइनिंग और बेस किए हैं बस, है ना टीटू, देखो टीटू कितनी मेहनत कर रही है, टीटू बताओ जरा इधर देख के कितनी मेहनत कर रही हो, बहुत, देख के जरा बता दो इधर सबको, देखो कैसे पेंट कर रही हैं, आप देखो अभी जो है ये फुल पेंट हो चुका है, और सॉरी मैंने बोला था कि मैं आपको फुल पेंट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी खाली जब रूम होगा, लेकिन एक्चुअली क्या इतना थक गए तो हम लोग को मन ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, तो अभी आप देख सकते हो, देखो ये पूरा मेरा पूरा फुल रूम का व्यू है, अब इस तरह की ये मैं बता देती हूँ, ये लाइट पिंक में है, ये 1 2 और ये 3 इधर की दीवार, ऊपर वाइट में है, और ये डार्क पिंक में हमने दीवार की है, दिन में दिखेगा, अभी रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 7:30, तो इसीलिए मैं कल दिन में आपको दिखाऊंगी, अभी देखो उस रूम में कितना मैसी मैसी सा पूरा पड़ा हुआ है, अभी उधर का इतने छोटे से घर में हम लोग को अब मैनेज करना किसी तरह पड़ता है, अब कैसे मैनेज करते हैं वो हम लोग को पता है, और जो है देख सकते हो वहाँ पर कितना पड़ा है, अब इस रूम को हम लोग ने यहाँ से खाली करके इसको पेंट करना था तो वहाँ पे जाके रखा है, अब सोचियो कि इतना मैनेज करना पड़ा कि वहाँ का भी कल पेंट होगा, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सामान है, बड़ा बड़ा सामान काफ़ी है, वहाँ से उठा के इधर रखना पड़ेगा, या तो अब देखो कैसे कल मैनेज करेंगे, और यहाँ पे देखो सामान भी कुछ हम लोग ने फिट कर दिया सिस्टम, खैर इसके हाथ पर मैंने धुल दिए थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, और ये बाबा बच्चे हैं तो पेंट में जुटे रहती हैं, तो जो है हाथ पर धुल दिया, मैंने कहा नहलाएंगे अगर इस समय तो सर्दी जुकाम फीवर यही सब हो जाएगा, वायरल वैसे भी चल रहा है, और मैं तो अभी नहाई नहीं, अभी सारा सिस्टम जो है समेटना है मुझे, और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैंने मैनेज कर दी, अभी बिस्तर इधर का देख सकते हो बाकी है, ये पेंट वगैरह गिरा है इसको साफ़ करना है तब जाके बिस्तर लगाऊंगी, और कुछ चीज़ें अभी मैंने इधर ड्रेसिंग टेबल वगैरह नहीं अभी सेट किया है, धीरे धीरे सेट हो रहा है, छोटा बच्चा टीटू है तो ये भी जिद करती रहती हैं, बाकी सारा सामान हम लोगों ने अपना साफ सफाई करके रख दिया है, अभी ये मैंने सेट कर दिए हैं टैडी टीटू के, है ना, लेकिन ये जो है अभी मुझे इनको धुलते हैं डाल के धुलना है, और ये देखो ये सोने जा रही हैं, नींद नहीं आ रही है इसीलिए मैं इनको जा रही हूँ सुलाने, तो मैं इसीलिए बिस्तर पे आ गई हूँ क्योंकि मेरे बिना सोती नहीं है। सेकेंड रूम, और ये देखो यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है, ये भी यहाँ पे पूरा साफ किया गया है, ये रखा पेंट, और इसकी हालत देखो कैसी है, अभी उसके ऊपर वो जो धारियोदार वो बना है उस पर पुट्टी लगाई गई है बंद करने के लिए, अब जो है यहाँ पे पेंट होगा, वो देखो पेंट रखा, आप लोग बताओ वो कौन से कलर का पेंट है, तो अभी जब हो जाएगा फिनिश पूरा रूम रात हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगी कैसा है डिफरेंट, और देखो कितने हम बाहर तक बाहर भी सामान हमारा है इधर, तो देखो ये है ब्लू कलर हो रहा है, इसमें तो और ही वीडियो में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा क्लियर, देखिए ये जो है ये देखिए पूरा लुकअप है ये रूम का हमारे कंप्लीट हो चुका है,
मुझे तो सबसे ये अच्छा वाला यही है, सामने वाला कलर अच्छा लग रहा है। पीछे वाले कमरे का तो इतना कलर नहीं अच्छा लग रहा, मतलब पेंट धीरे धीरे रख रही हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने रख दिया, यहाँ पे भी पर्दा लग जाएगा मेरे तार पे। और ये रहा टीटू का फोटो, जो चीज़ जहाँ पे रखी थी वो वहीं पे रखी गई है। और ये वाला लुकअप मुझे ज़्यादा, वैसे भी मेरा फेवरेट कलर ब्लू ही है, तो जाहिर सी बात है मुझे पसंद तो वैसे ही भी आना ही है, चाहे जिस तरीके से वो किया जाए। तो और भी मेरा वो देखो पीछे किचन बचा हुआ है, किचन अभी पूर्ण होगा नहीं हुआ है, किचन अभी होगा और तब मैं दिखाऊंगी। और ये वाले रूम को सेट कर रहे हैं अभी, देखो कुछ चीज़ें सेट हो चुकी हैं, कुछ के आधी ज़्यादा चीज़ें सेट हो चुकी हैं, अभी कवर वगैरह साफ करके रख रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप करके अपना रख लेती हूँ मैनेज करके। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पूरा मेरा घर का व्यू जो है पूरा चेंज हो गया है। पेंट हो जाता है तो कुछ अलग ही मतलब वो लुक नज़र आने लगता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पेंट हो गया है, दो दिन में हमारे यहाँ पेंट हो पाया है। यहाँ से आप देखो अभी ये दरवाजे वगैरह पेंट होने को बाकी है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो लग ही नहीं रहा पेंट है, पेंट करना ही है। और बाकी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी पर्दा लगाना है मुझे। और ये सारी चीज़ें वैसे ही मैंने रख दी, कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं चीज़ों। और बाकी ये देखो पूरा मैंने पूरा ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। और सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे किचन भी हमारा हो चुका है, मैं दिखाया था सबसे पहले ही ये पिंक कलर में हुआ था। आप देखो यहाँ पे ये टीटू यहाँ बैठी है, फ्रूटी पी रही है और ये है। और ये देखो फाइनली गाइस हमारे दिवाली की सफाई हो चुकी है, सफाई विद पेंट, मतलब मेरे रूम का पेंट होना था, जो कि आपको मैंने बताया था। आज दो दिन हो गया, कल भी पेंट हो रहा था, दो दिन इसको इनको लगा पूरा घर को पेंट करने में। और मोस्टली ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरा ये फेवरेट कलर है। और यहाँ पे सारा सामान मैंने देखो सेट कर दिया है, पूरा साफ सुथरा सफाई से एकदम, और सारी चीज़ें अपनी जगह पर है व्यवस्थित, मतलब कि अरेंज कर दी है मैनेज, क्योंकि मेरा किचन अटैच है इसी रूम से। और फिर यही था, और बाकी ये हमारा रूम मंदिर है, देखो मैं भगवान जी का मंदिर है, इनको भी मैंने अपने स्थान पे बिठा दिया, अपनी जगह पे जहाँ पे ये थे। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, दिवाली की सफाई जो भी हो रही थी, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ दिवाली की सफाई में करते करते, मतलब कि दोनों लोग और हस्बैंड वाइफ मिलकर किए थे, लेकिन फिर भी थकान हो गई। आज तो मेरे हस्बैंड फैज़ाबाद सुबह ही चले गए, तो जो मैं बताती हूँ किचन जो है एक कोड हुआ था, मतलब और दूसरा कोड उनको करना था, लेकिन वो सुबह सुबह अचानक से सुबह में मॉर्निंग में ही आज कॉल आ गई ऑफिस से कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर एक्चुअली वो जाते ही रहते हैं, तो फैजाबाद जाना था, फैजाबाद निकल गए हैं। तो मैंने सोचा लाओ मैं ही कर दूँ, तो उन्होंने बोला था कि रात में मैं आऊँगा, अगर कर दूँगा नहीं तो कल मॉर्निंग में करूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं ही एक बार ट्राई करती हूँ, तो मैंने ट्राई किया, देखो कितना अच्छा लुक लग रहा है, आप लोग देख कर बताओ किचन का लुक। देखो ये रूम का है, मेरे हस्बैंड ने किया था,
इस तरीके से मैं भी इसमें की हूँ। और ये किचन है जो कि मैंने किचन किया, अभी पूरा प्रॉपर सूखा नहीं है। और मैंने कर दिया था एक कोट, मैंने कहा चलो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी सफाई वगैरह जो पेट गिरा था पूरा, देखो टाइल्स वगैरह, ये पूरा रूम ये भी एकदम मैसी मैसी था, बहुत गंदा सा था, पेंट वगैरह था, साफ नहीं हुआ था कल से, तो वो सब मैंने सफाई किया। और बर्तन स्टैंड वगैरह, ये देखो मुझे यहाँ पे चोट भी लग गई है उंगली में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये देखो दिखेगा यहाँ पे दिखता है, इसमें छोटा दिख रहा है मगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उंगली, क्योंकि हड्डी पे लगी हुई है, स्वेलिंग भी आ गई है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था मॉर्निंग में सफाई करते करते, और अचानक से बर्तन स्टैंड का कहीं से नुकीला नुकीला निकला था, वही लग गया था। तो फाइनली लेकिन चोट लगते हुए चोट भी लगी इस सब सफाई और पेंट के चक्कर में, कुछ चीज़ें जो जिनका नुकसान हो गया, मतलब फ्लावर वास वगैरह मेरा एक टूट गया, पता नहीं कैसे इधर से उधर सामान को मैनेज करने के चक्कर में, तो लेकिन फिर भी हमारा काम हो गया है। तो बस यही था, बाकी जो है जैसा भी लगे ब्लॉग आप लोग लाइक या कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे जो लोग भी न्यू हो देख रहे हो मेरे ब्लॉग को, ढेर सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और चलो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो, और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। पहले तो अभी धनतेरस आएगा तो आपको हैप्पी धनतेरस इन एडवांस, सॉरी हैप्पी दिवाली बोले, उसके बाद हैप्पी दिवाली आएगी, उसके लिए भी आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो जल्दी जल्दी जाके जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो, जाकर पूरा देखा करो ब्लॉग, इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतनी चोटें लगने के बाद भी चोटें लग रही हैं, थकान हो गई है, फिर भी ब्लॉग शूट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, बताओ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।